हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के प्यारे चैनल हिंदुस्तानी यूट्यूबर पर। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आज की जो भी वीडियो है, आज की जो भी मैं कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनते रहिएगा। आज जो कहानी मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये है एक पारिवारिक कहानी। अगर आप भी एक शादीशुदा इंसान है या फिर शादीशुदा इंसान नहीं भी हैं, तो आज की कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बगल में घंटी दिख रही है आपको, उसको ज़रूर टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर टच कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं अपने इस चैनल पर कोई भी और भी नई नई वीडियो लाऊंगा, तो वो आपके पास में सभी से पहले पहुंचेगी। तो प्लीज़ अभी अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में घंटी का आइकन है उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच कर दीजिए। चलिए देर ना करते हुए आज की जो कहानी है, आज की जो वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज की जो कहानी है एक पारिवारिक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी सहेली कोमल की शादी को 6 महीने हो चुके थे। कोमल के ससुराल में कोमल के सास ससुर देवर उसकी 2 नंदें थीं। नंदों की शादी हो चुकी थी। कोमल का पति जॉब की वजह से बाहर ही रहता था। वैसे तो कोमल का ससुराल बहुत अच्छा था। उसके सास ससुर देवर सभी उसको बहुत मानते थे। कोमल का पति सुमित भी कोमल से बहुत प्यार करता था। वह भले ही कोमल से दूर था, पर कोमल की हर इच्छा को पूरा करता था। कोमल भी एक अच्छी बहू की तरह से ससुराल वालों का ख्याल रखती थी। कोमल की 2 नंदें थीं। बड़ी वाली तो बहुत अच्छी थी, समझदार थी, लेकिन छोटी वाली बहुत ही नकचढ़ी थी। वो कोमल से तो उम्र में बड़ी थी, लेकिन पद में कोमल बड़ी थी, क्योंकि सुमित से उसकी छोटी बहन छोटी थी। कोमल की छोटी ननद का ससुराल नज़दीक था, तो अक्सर वह मायके आती रहती थी। महीने में एक बार तो जरूर आती थी, और जब आ जाए तो फिर कोमल के ऊपर शासन चलाना शुरू करते। वह एक गिलास पानी भी अपने से लेकर नहीं पीती थी। उसके लिए भी कोमल को ही बुलाती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चे के लिए दूध भी वह कोमल से ही मंगवाती थी। कोमल कितना भी बिजी क्यों ना हो, पर उसकी ननद बिल्कुल भी नहीं समझती थी। हमेशा कोमल से फरमाइश करती रहती थी, भाभी आज ये बनाओ, कल वो बनाओ। कोमल भी शांत स्वभाव होने के कारण कुछ नहीं बोलती, सब कुछ करती। कोमल का पति सुमित कोमल से बहुत प्यार करता था, इसलिए कोमल के सारे शौक बिना कहे ही वह पूरे कर देता था। उसकी छोटी ननद को ये सब बातें भी बुरी लगती थी। कोमल के ससुर एक किसान थे, तो उनके पास तो कोई इनकम थी नहीं। देवर तो पढ़ाई ही कर रहा था, तो घर का सारा खर्च सुमित के ऊपर ही था। सुमित भी बहुत ही अच्छा बेटा था। वह अपनी बीवी के साथ साथ घर वालों की भी ज़रूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन उसकी छोटी ननद हमेशा यही सोचती थी कि भैया केवल घर वालों की और हम बहनों की ज़रूरतों को पूरा करें। अक्सर वह अपने भाई से कुछ ना कुछ मांगती ही रहती थी। सुमित भी छोटी बहन समझकर उसकी भी इच्छा पूरी करता था। भाई के इतना सब कुछ करने पर भी उसकी छोटी ननद का व्यवहार अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी यह भी आदत थी कि वह हमेशा अपनी राय मम्मी पापा को दिया करती थी। मायके में अपना अधिकार चलाना चाहती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन कोमल ने ये सुना कि उसकी छोटी ननद अपनी माँ के कान भर रही थी और कह रही थी, मम्मी आपने भाभी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। जब देखो तब मार्केट ही जाती रहती है, कितना महंगा महंगा कपड़ा खरीदती है। भैया भी ना पैसा देकर उनका मन बढ़ा दिए हैं। मम्मी अगर कंट्रोल नहीं लगाओगी तो हाथ से निकल जाएगी। ये सुनकर तो मेरे दिल में गहरी चोट लग गई। मैं यही सोच रही थी कि मैं इनके लिए कितना कुछ करती हूँ, इनके भैया भी करते हैं और ये मेरे बारे में ऐसा बोल रही हैं। लेकिन जब मैंने सासू माँ की बातें सुनी, जो ननद से कह रही थी, उसे समझाते हुए, देखो बेटा बहू बहुत अच्छी है, अगर उसका पति उसे पैसे दे रहा है तो कितनी अच्छी बात है। आखिरकार वह उसकी पत्नी है, अगर वह अपनी पत्नी की ज़रूरत नहीं पूरी करेगा तो कौन करेगा।
और ऐसा तो है नहीं कि वह केवल बीवी के लिए कर रहा है, वह तो पूरे परिवार के लिए करता है। तो हम बुरा क्यों माने? अगर दामाद जी तेरे लिए कुछ ना करें, तुझे पैसा ना दें, तेरी इच्छाओं को ना पूरा करें तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी भाभी कितनी अच्छी है, तू जो भी कहती है तेरा सब काम करती है और तू उसके बारे में ऐसा सोच रही है। अब शायद छोटी ननद को सारी बातें समझ में आ गईं। सासू माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हुई कि वह कितनी समझदार है, मैं लक्की हूँ जो ऐसी सास मिली। उसके बाद ननद जी का व्यवहार भी मेरे प्रति बदलने लगा, अब वह मुझे सम्मान देने लगी। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी छोटी ननद की वो बात मुझे भुला नहीं पाई हूँ। काश उन्होंने भी मुझे समझा होता। ननद लोग अपनी भाभी के बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? वो यह क्यों भूल जाती हैं कि वह भी तो किसी की भाभी है? अगर उनकी भी ननद उनके साथ यही करे तो फिर उन्हें कैसा लगेगा? सब ननदें ऐसी नहीं होती, कुछ लोग बहुत अच्छी होती हैं तो कुछ कोमल की ननद जैसी। रिश्तों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ननद भाभी का रिश्ता भी बहनों जैसा होता है, अगर दोनों समझें तो रिश्तेदारी को अच्छे से निभाएं। दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है तो वो भी मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है वो भी मुझे अपने साथ में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना दर्द बताने से हल्का हो जाता है, तो अपना दर्द मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ हिंदुस्तानी यूट्यूबर।